हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू मांडल में। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा टॉपिक जो आपने कभी सोचा नहीं होगा और ना सोचने पर आप मजबूर होंगे। दोस्तों, जिंदगी में दो चीज़ें आप हमेशा याद रखो दोस्तों, सच और झूठ। टॉपिक यही होने वाला अपना। टॉपिक क्या है दोस्तों कि सच और झूठ के बारे में आज बात करने वाला हूँ कि हम अपनी जिंदगी के अंदर दो चीज़ें हमें हमारे साथ हमेशा चलती है दोस्तों, एक तो सच और दूसरा है कि झूठ। हमें ये दो चीज़ें लेके ही चलनी पड़ती है, क्योंकि इन दो चीज़ों के अलावा हम दोस्तों चल नहीं सकते ज़िंदगी में। क्योंकि या तो हमें सच बोलना पड़ता है या हमें झूठ बोलना पड़ता है, यानी झूठ और सच का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी में दोस्तों ये चीज़ें तो अपन को साथ में लेनी चलनी मतलब लेके चलनी पड़ती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हमें कोई भी अगर दिक्कत होती है जो हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जिसमें गूगल या यूट्यूब या किसी और अन्य चीज़ पर आप देख सकते हो, उस पर आप देखने की कोशिश करते हो। लेकिन लगभग आपको चीज़ें बहुत सारी चीज़ें, अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो आपको वो चीज़ें यूट्यूब या गूगल पर मिल जाएगी। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आपको मोटिवेशन करने वाले बहुत सारे चैनल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि मैं अगर झूठ या सच बोल रहा हूँ या कोई भी सामने वाला सच या झूठ बोल रहा है तो वो चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? ये आपने कभी नहीं सोचा होगा दोस्तों। ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि इसको अगर साथ में लेकर चलना होगा या ये कहाँ मिलेगी। अगर YouTube पे अपन सर्च करने पर मिल जाती है, सच और झूठ के बारे में बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्टिकल जो भी है वो मिल जाएंगे आपको, लेकिन इनका क्लियरिटी जो है वो तोड़ वो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें, सच तो हमें बोलना पड़ता है, झूठ भी हमें बोलना पड़ता है, इन दोनों के बीच में सारे लेकर अपन को चलना पड़ता है दोस्तों। कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ हमें सच बोलना पड़ता है और कुछ ऐसी सिचुएशन है जो दोनों साथ में मिलकर दोनों को साथ में हमें बोलना पड़ता है, सच या झूठ। तो ये एक टॉपिक, बहुत अहम मुद्दा है, जो मुद्दा है दोस्तों उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पेज खोल लेता हूँ, YouTube, चलो YouTube पे निकालते हैं दोस्तों, गूगल सर्च कर लेते हैं पहले सच और झूठ क्या है। सच और झूठ के बारे में चीज़ें बहुत सारी बता देगा गूगल, लेकिन उसका तोड़ ये नहीं है कि आप सच और झूठ उसके हिसाब से चलोगे, ऐसा नहीं होता। सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है पता चल सकता है? नहीं, कभी नहीं पता चल सकता दोस्तों। इसके बाद में देखो, बड़ी शायरियाँ, बड़े बड़े चीज़ें, बड़े मोटिवेशनल चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। ये देखो, फरेब और झूठ की रफ्तार भले ही तेज होती है, सच या झूठ यहाँ पर मतलब पूरा गूगल भरा है। अब यूट्यूब का भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूट्यूब पे भी क्या होता है दोस्तों। यूट्यूब पे अब अगर मिल जाता है तो यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं। ये हमने यूट्यूब निकाला दोस्तों, और ये यूट्यूब पे चलो सच और झूठ मैं लिख देता हूँ, सच और झूठ ये मैंने लिख दिया। इस पर भी ये देखो आप देख सकते हो वीडियो, चलो वीडियो चला देता हूँ मैं, सच और झूठ क्या है, ये भाई साहब बता रहे हैं सच और झूठ क्या है। मैं तो बोल रहा हूँ कि दोस्तों कोई बता ही नहीं सकता कि सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कैसे आप पता लगा सकते हो? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम पता तब लगा सकते हैं दोस्तों कि कोई चीज़ हमें पता है। जैसे हमें पता है कि कहीं पे हमारी जो गाड़ी या कोई चीज़ पड़ी है और दूसरा बंदा बोल रहा है कि वो वहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमें पता ना, तो भाई उस जगह हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि वहाँ पे नहीं है, तो फिर उसके वो चीज़ें हम मान मतलब बिल्कुल नहीं मान सकते उसी को, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। ऐसे तो हमें पता चल जाता है, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो चीज़ें हम कभी भी किसी के बारे में कभी जान नहीं सकते दोस्तों। यानी सोशल मीडिया के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी, मोटिवेशनल मिल जाएंगे, लेकिन डीमोटिवेशनल के बारे में कोई नहीं बताता आपको। कभी किसी ने बताया तो मेरे को ये बताओ दोस्तों, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है तो मोटिवेशन देख के वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाती है। यानी बहुत सारे ये YouTube के अंदर मतलब Google के अंदर कहीं भी आप सर्च करो ना, तो ये बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल सकती है, लेकिन सच और झूठ का आपको पता बिल्कुल कभी नहीं है। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सच और झूठ है सच और झूठ का पता एक ही तरीके से लगाया जा सकता है,
कि अगर कोई बंदा हमसे बात कर रहा है तो किस तरीके से बात कर रहा है, अगर हमसे बात करते हुए अकला नहीं रहा है किसी चीज को लेकर, वो उसकी मतलब उसको एकदम बिल्कुल नजदीक से एकदम सामने मतलब सामने आंखों से उसको देखो कि वो उसके हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यानी 100 में से अगर वो 50% भी अगर इधर उधर अकलाता है या अपने से बात करने में उसको दिक्कत हो रही है तो वो बंदा हमेशा झूठ बोल रहा है दोस्तों। इस चीज़ से आप पकड़ सकते हो यानी अपने हाव भाव से। ये चीज़ें सोशल मीडिया पर कभी जिंदगी में नहीं बताएगी दोस्तों। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर चीज़ आपको मिल सकती है, हर चीज़ आपको वहाँ मिल सकती है, लेकिन ये चीज़ें ना कभी नहीं बताई। ये अपन को खुद को महसूस करनी होती है कि सामने वाला बंदा कैसे है, हम झूठ बोल रहे हैं हमें कैसा लगता है, हम किसी झूठ बोलते हैं कोई किसी चीज़ में टेंशन में होता है तो हमें कैसा महसूस होता है, उस चीज़ को महसूस करते हुए हम समझ सकते हैं। और बाकी ये जो आप इंटरनेट की दुनिया में अगर इस चीज़ को सर्च करोगे ना तो ये जो हाव भाव वाली चीज़ें ना ये अपन खुद महसूस कर सकते हैं दोस्तों। अगर हम खुद महसूस करेंगे तभी हमको पता लगेगा अगले वाला बंदा झूठ बोल रहा है मतलब सच बोल रहा है। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, आज तक आपने YouTube पे देखा नहीं होगा इस चीज़ को, ऐसे किसी ने किस तरीके से बताया हो तो मेरे को बताना दोस्तों। ये चीज़ मतलब अपन खुद महसूस कर सकते हैं, जो बंदा महसूस करता है जिसने कभी झूठ बोला है, जैसे मैं किसी से झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को पता है भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो उस टाइम मेरी क्या हालत होती थी, मैं किसी से बात कर रहा होता था, तो उस चीज़ को हम महसूस कर सकते हैं। यानी 50% 100% मैं आपको नहीं बता रहा हूँ भाई, 100% अपन उसका क्लियरली पता लगा सकते हैं। हो सकता है वो अपना दिमाग घुमा सकता है, एक्टिंग कर सकता है, आजकल एक्टिंग की दुनिया में तो बहुत सारे एक्टर भी है जो झूठ बोल के पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, एक्चुअल में कभी ऐसा पता नहीं चलता। और सोशल मीडिया का तो बिल्कुल सारा लेना ही मत, क्योंकि दोस्तों सच और झूठ कभी आपको क्लियर नहीं बताया। मशीनें बन गई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मशीनें भी जो होती है ना दोस्तों, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर उसको यूज लिया जाता है, बड़े बड़े स्टेज या शो के ऊपर आप देख सकते हो, बिग बॉस में आपने देखा होगा कई बार वो मशीन का मतलब प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पर दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो झूठ और मतलब वो क्या सोचने में मजबूर हो जाता है, जितना टाइम होता है ना भाई तो उस हिसाब से वो बत्ती उसकी रेड या लाल वगैरह जो भी है ना वो चलती रहती है। तो वो भी अलग अलग तरीके हैं, कोशिश जारी है, हो सकता है इसका भी कोई तोड़ हो, इसका भी कोई तोड़ निकलेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि सच और झूठ का जो टॉपिक मैंने आपको बताया तो उस टॉपिक के बारे में अगर आप सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी गूगल पे सर्च करते हो तो एक्चुअल में कभी आपको वीडियो नहीं मिलेगा। चीज़ें बहुत सारी बता देंगे कि शायरियाँ बता देंगे, मोटिवेशन आपको कर देंगे, इस तरीके से सच बोला जाता है, इस तरीके से हो सकता है मिल भी सकता है आपको, लेकिन इतनी गहराई से। यानी जितना मेरा कहने का मतलब है, अगर आप महसूस करेंगे कि अगले वाला बंदा झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, या अगर मतलब किसी से हम बात करते हैं हम किसी से झूठ बोलते हैं तो वो चीज़ हम महसूस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बस आज का यही मैं बताना चाहता था आपको दोस्तों, कि आप सच और झूठ का पता इसी तरीके से लगा सकते हो कि आप खुद महसूस करें कि उस चीज़ को कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि मैं जो बताना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।